हेलो फ्रेंड्स, जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग है पिक अ कार्ड रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि माता रानी के कल नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, इन 8 दिनों में कैरियर और लव को लेके माता रानी आपके लिए क्या करने वाली है, यानी कि कार्ड क्या बताते हैं कि आपके नवरात्रे में लव लाइफ कैसी निकलेगी और क्या आपको पॉजिटिव मिलेगा। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये पी का कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस है, जनरल है और ही और शी दोनों के लिए है। VLCC की लिप बाम, पाइल नंबर 2, पीच कलर की नेल पेंट। फ्रेंड्स, अपने डिवाइन को याद करके और जिस भी पर्पल से आप इसको रीडिंग को देखना चाहते हैं उसे दिल से याद करके, जो आपकी आंखों को पाइल छूता हो, दिल को छूता हो, आंखों को आकर्षित करता हो, उसे सिलेक्ट कीजिए। चलिए देखते हैं पाइल वन। वेलकम पाइल वन, आपके कार्ड्स कैसे आए हैं। फ्रेंड्स, आपके जो कार्ड्स आए हैं कैरियर और रिलेशन दोनों के बारे में मैं इनमें बताऊंगी। रिलेशन की बात करी जाए, कैरियर की बात करी जाए, तो आप में से कुछ लोगों का फाइनेंस बहुत कमज़ोर हो गया है, बहुत दिक्कतें आई हैं, आपके रिश्ते खराब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। आप संभालने की कोशिश कर रहे हो पर जहाँ फाइनेंस की दिक्कत आ गई वहाँ रिश्ते खराब हो सकते हैं। हो सकता है आप मैरिज यानी कि शादीशुदा हो, रिश्तों में तनाव चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है और आगे कोई जाता हुआ नहीं नज़र आ रहा। लेकिन आपके पर्सन जो है, कुछ लोगों के पर्सन हैं वो आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको पसंद करते हैं, वो चाहते हैं आप उनकी दिल की रानी बनो। आपको वो दूर दूर से स्टॉक करते हैं, आप उनको बहुत अच्छे लगते हो, उनको लगता है कि मेरा जो पार्टनर है हर तरफ से अच्छा है, नॉलेजेबल है, सुंदर है और दिल को खुश रखने वाला, एक जैसे कहते हैं ना, एक जेंटल लेडी, खूब पर्सनैलिटी वाला पर्सन है। और फ्रेंड्स, जहाँ मैं बता रही हूँ कि आपको फाइनेंस की दिक्कत है, आप में से आपके फाइनेंस की वजह से रिश्ते जिनके खराब हुए हैं उनके आगे ठीक होने की संभावना है। सिक्स ऑफ नवरात्रों के ये कार्ड बता रहे हैं कि आपके रिश्ते काफ़ी फाइनेंस की वजह से काफ़ी आर्गुमेंट ले हुए हैं और रिश्ते खराब हुए हैं। आपने सोच लिया था, आपने सोच रखा है कि बोले अब पास कोई आएगा, अपने आप बात करेगा, अपने आप मुझे स्टॉक करेगा, अपने आप माफ़ी मांगेगा, तभी मैं एक्सेप्ट हम पार्टनर को करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पार्टनर आपको बहुत पसंद करते हैं, फाइनेंस और बाहरी लोगों यानी कि फैमिली वालों की वजह से आर्गुमेंट हुए लेकिन उनको अपने किए का बहुत पछतावा है और वो अपनी गलतियाँ सुधारने लगे हुए हैं। आपको पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते। आपको एक अच्छा पार्टनर, नॉलेजेबल पार्टनर और सुंदर और स्मार्ट, प्रीटी ऐसा समझते हैं। उनका मानना है अगर आप उनकी लाइफ में हो तो लाइफ इतनी बढ़िया कटेगी, सबसे बढ़िया उन्हीं की लाइफ होगी और ज़िंदगी में कोई दुख नहीं होगा। भले ही वो आपसे दूर है लेकिन आपको
आज भी स्टोक करते हैं और देखते हैं, और मन उन्होंने बना रखा है चाहे उनको झुकना पड़े, लेकिन वो आपको अपने साथ जोड़ के ही रहेंगे। मतलब आपको अपना पार्टनर बनाना ही, जैसे ही भी आप कहोगे, अगर आप कहोगे कि लॉन्ग रिलेशनशिप चाहिए तो वो भी आपको देंगे, अगर आप मैरिज मांगोगे तो मैरिज भी मिलेगी। ये देखिए, मैंने आपको बोला है कि आपके रिश्ते में खराबी है, फैमिली वालों का इंटरफेयर है, फाइनेंस की दिक्कतें थी, इसी चक्कर में फैमिली वालों ने फ़ायदा उठाया और आप में आर्गुमेंट हुए। पाइल नंबर वन, देखिए अगर आप लोगों का प्यार सच्चा है, ट्रू है, आप दिल से एक दूसरे को चाहते हो, तो ईश्वर आपको ज़रूर आपके कर्मों की सज़ा देगा, यानी कि आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आप में कोई प्रॉब्लम है या आप में भी कमी है, तो उनकी कमियों का तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि वो आप मेरी रीडिंग देखते हो, तो मैं आपको यही कहूँगी कि माता रानी के नवरात्रे आए, अगर आपके आपने कोई गलती करी है, आपको अपनी मिस्टेक का एहसास है, तो माता की पूजा कीजिए और उन चीज़ों को माता के आगे चढ़ाइए जो माता को सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि माता के आगे वो चीज़ें रखने से आपका काम ज़रूर बनेगा। वो पांच चीज़ें हैं, सिंदूर, लिपस्टिक, नेल पेंट और चूड़ी और मेहंदी। इन पांच चीज़ों को चढ़ाइए और इस साल नहीं तो अगले नवरात्रों तक आपका सारे काम बन जाएंगे, क्योंकि लेकिन चीज़ वो चढ़ाइए जो आपके फाइनेंस के अनुसार हो। बेशक चूड़ी दर्जन की जगह छः चढ़ाइए, लेकिन अच्छी क्वालिटी के ले जाइए चढ़ाना, क्योंकि इन चीज़ों को चढ़ाने के बाद जो भी पहनता है, जब वो खुश होता है, हंसता है, तो माता रानी के साथ साथ आपको उनकी ब्लेसिंग मिलेगी। तो ये था आपका पाइल वन वालों की रीडिंग। देखिए मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ कि फैमिली वालों का इंटरफेयर अभी भी है, वो ये नहीं कि आपको पसंद नहीं करते, अपने अपने सब सुझाव देते हैं, उस वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता सही हो, तो आप ऐसी एनर्जी में मत बैठिए, अच्छी एनर्जी में बैठिए, आप ये सब करिए जो मैंने बताया है, तो माता रानी आपको ज़रूर आशीर्वाद और ब्लेसिंग देगी, और अपने जो भी आपका काम, चाहे कैरियर हो, चाहे आपका लव हो, फाइनेंस की वजह से आपका रिश्ता टूटा हो, सब कुछ आपका ठीक होगा। ये रीडिंग जाते जोते मैं आपको एक आध टिप्स ऐसा भी दूंगी जिसमें और भी जल्दी आपके काम बनेंगे। वेलकम पाइल टू, पीच नेल पेंट, पीच कलर का, ये देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वांड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका रिश्ता जैसे आपका पहले सही था, रिश्ता इतना ख़राब नहीं था, लेकिन लोगों के इंटरफेयर और आप लोगों के विचार नहीं मिलते थे, इसलिए रिश्तों में कहा सुनी रहती थी। जब आपने उनसे कमिटमेंट मांगा, तो आपके पार्टनर ने आपको कोई ठोस जवाब नहीं दिया, आप में कहा सुनी होने लगी, तो इस वजह से उनको या हो सकता है आपको रिश्ते में बोझ दिखाई देने लगा। उन्होंने सोचा कि ये अब बातें बढ़ती जाएगी, ये रिश्ता बोझ बन गया है, दिमाग में स्ट्रेस देता है, टेंशन देता है, तो मैं इसके लिए सीरियस ना हूँ। वो एक उनको रिश्ता बोझ लगने लगा और वो एकदम किंग ऑफ सोर्ड्स वाली, यानी कि एक आपको ख़राब इंसान दिखने लगे कि जो आपके साथ पहले थे, अब वो पहले वाले नहीं रहे, इनको क्या हो गया। लेकिन हर टाइम एक चीज़ एक जैसा नहीं रहता। अब वो जब आपसे अलग हुए, तो उनको एहसास हुआ कि मैं अलग हुआ हूँ तो मैंने बहुत कुछ खो दिया है। उसके बाद उनके फैमिली वालों ने भी इंटरफेयर किया, जब उनकी चीज़ें ख़राब होने लगी, तो अब वो सोचते हैं कि मेरी चीज़ें सही हो जाए और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कदम तो बढ़ाना चाहते हैं, उनके अंदर हिम्मत नहीं आ रही कि कदम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि
आपके ऊपर उन्होंने काफी आपको कहा सुनी कही जो आपको पसंद बिल्कुल नहीं थी, और आर्गुमेंट भी हुए, और किंग ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि काफी खराब एनर्जी में थे उस टाइम वो, लेकिन अब आपको वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और आपको हो सकता है आपके पार्टनर आपसे छोटी एज के हो और आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं। देखिए आगे तीन कार्ड आके क्या बताते हैं। देखिए मैंने कहा ना छोटी एज के भी हो सकते हैं, इमच्योर हैं, और ये देखिए मुझे लगता है आपको कई चीज़ों को लेके उनके साथ आपने थर्ड पार्टी भी आपको मन में था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं थी वो, और चीज़ों में पैसे में इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा ध्यान है उनका। और ये देखिए आखिर का कार्ड ये बताता है कि जो हो गया हो गया, हो सकता है उनमें कमियां थी, वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, उनको देना चाहिए था, लेकिन जहां बात आती थी कमिटमेंट की वो पीछे हटते थे, और उनको अपना रिश्ता बर्डन लगता था, क्योंकि उनके नेचर में ये कार्ड ये भी बता रहा है कुछ लोगों का कि उनके नेचर में ये था कि हर चीज ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, हर चीज़ की तरफ भागने के, खाली आपके रिश्ते को सीरियस नहीं लेते थे। और जहाँ दो लोग होते हैं तो उनका मानना यही होता है कि मेरे रिश्ते को मेरा पार्टनर ज़्यादा सीरियस ले, लेकिन अब उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, वो अपनी ये वाली एनर्जी में आ गई है, और उन्होंने सोचा है कि प्रपोज भी करना है और आपके साथ लाइफ भी बतानी है, एक हैप्पी फैमिली वाली लाइफ। और मुझे लगता है आप भी उनको जब वो आएंगे तो प्रपोज करने के उन वो भी करेंगे और आप भी करेंगे, आप दोनों का बहुत अच्छा सा मेल होने वाला है। माता रानी ने आपका ये कार्ड निकाला है, ये कार्ड बता रहा है कि आपके संजोग अगर बंधे हुए हैं मैरिज के तो जल्दी ही खुलेंगे। और मैं कहती हूँ हे मैया शेरावाली, जिनके दिल सच्चे हैं, जिनके ट्रू लव है, उनको किसी चीज़ का भी दुख ना दे। और फ्रेंड्स जैसे मैंने मैं आपको बताऊं कि माता रानी के कल नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, आप लोग जो जानते हो कि हम सही है, सामने वाला भले ही गलत है, और अपनी ज़िंदगी में आगे अच्छा करना चाहते हो, अच्छा पाना चाहते हो, तो माता रानी के आगे चुनरी के साथ श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाना, जिसमें लिपस्टिक, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी और बिंदी, ये चीज़ें एक अच्छी क्वालिटी की, जैसे आप यूज करते हो वैसे, ये नहीं कि खुद अच्छी चीज़ यूज करते हो और देवी माँ के चरणों में हल्की चीज़, नहीं, अच्छी चीज़ चढ़ाना, क्योंकि माता रानी की भी ब्लेसिंग मिलेगी, और वो जो चीज़ें जाती है ना औरों के पास, जब वो खुश खुशी से पहनते हैं तो और भी डबल ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि जब अच्छे से हमारे पास ही कोई ख़राब चीज़ आती है तो हम कहते यूज नहीं करनी, पता नहीं कैसे किसी ने चढ़ाई है, फेस खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही वो लोग भी सोचते हैं, अगर अच्छी चीज़ चढ़ाओगे दिल से खुश होकर, वो आपको जब यूज करेंगे तो आपको डबल ब्लेसिंग, माता के साथ साथ उन चीज़ों की और भी ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेंगे। अच्छा फ्रेंड्स आज की वीडियो मेरी यहाँ तक थी, जाते जाते मैं आपको एक सवाल दे रही हूँ, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे उस चीज़ का जवाब देना है कि लाइफ में सबसे बड़ा पुण्य क्या है। अगर आपका जवाब सही होगा तो मैं बहुत खुश होऊंगी, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उस चीज़ का जवाब दूंगी कि लाइफ में सबसे बड़ा पुण्य क्या है। ये मेरी आज की वीडियो यहीं तक ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, साथ में दबाइएगा बेल आइकन ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो एक अच्छे टॉपिक के साथ और आपके कमेंट का जवाब दूं। आपको जो सवाल करा है अगर आपको जवाब ना नहीं आऊँ तो अच्छे से समझाऊँ कि वो उसका जवाब क्या है। तो इसलिए आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, और जय माता दी शेरावाली दी।